Hey, what's up, Legit Gang? और फाइनली हमने एपिसोड 10 और एपिसोड 11 भी देख लिया है. Yes. एपिसोड 10 में जो था वो नॉमिनेशन से रिलेटेड था पूरा, और उसमें स्टैन की थोड़ी भसड़ भी हुई थी. हाँ, वो भी आपने साजिद से मतलब गुस्सा आया था. Yes. उस टाइम पे कि हाँ. Yes. कि मैं तेरे को मार देगा ब्रो, मैं भी मार के तेरे को बोल देगा ब्रो, सॉरी बोल देगा ब्रो. तो वो चल रहा था. अगर आपको उस क्लिप का रिएक्शन देखना है तो हमारे दूसरे चैनल पे रॉ रिएक्ट पे आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहां पे आपको उसका रिएक्शन विद क्लिप दिख जाएगा. हाँ. तो आप वो देख सकते हैं. अब बात करते हैं एपिसोड 11 के बारे में. हाँ, तो उसमें सबसे पहले ये हुआ कि भाई गौरी की भसड़ हुई, बहुत गंदी भाई, दूसरी पार्टी से. वो हाँ. ग्रुप तो बनी रखा है एक तरीके से, तो बहसबाजी हुई. अब उसमें वो उसको बोलने लग गए कि भाई इलिटरेट है, गवार है, ऐसा टाइप का. तो स्टैंड को चढ़ गया इस बात पे मतलब. तो वो बोल पड़ा एकदम, स्टैंड ले गया उसने मतलब. और हाँ. अच्छा भी करा, मेरे को तो बहुत सही लगा वो चीज भाई. उसको अपने जैसा हाँ. भी लग रहा होगा थोड़ा कि भाई मतलब क्यों बोल रहे हैं एक तरीके हाँ. से ना, कि तुम इसलिए बोल रहे हो हाँ. कि गांव से आई है हाँ. या पढ़े लिखे नहीं है या जो भी है मतलब. और अगर तुम पढ़े, वो भी बोल रही थी कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इंग्लिश में नहीं बोलना है तो नहीं बोलना. सही पॉइंट सही पकड़ा उसने. हाँ, वो बहुत सही बात है कि तुम समझदार बन रहे हो, तब तुम्हें ये समझदारी नहीं आ रही. तो वो चीज सही पॉइंट पकड़ा था. बाकी बाद में उस गौतम जब बोल रहा है गौरी बहुत ज्यादा चिक चिक कर रही है एक तरीके से या बेमतलब की लड़ रही है, तो उसने बोला नहीं भाई वो सुबह से या बहुत देर से कब से सही कर रहे हैं, पहले से हाँ करते आ रहे हैं उसके साथ ऐसा, ऐसी है वैसी है, इलिटरेट है, गवार है, वो प्रेजेंट कर रहा है सामने, दिख रहा है वो, पहले नहीं लग रहा है. तो अब जो भी उसके करीबी है, जैसे गौरी तो मेरे को लगता है मतलब सबसे करीबी है, एक गौरी और एक साजिद सर, मतलब जो उसके फेवरेट है, मतलब फेवरेट में फेवरेट, मतलब एकदम करीबी. अगर उनके बारे में कोई बोलता है तो वो सुनता नहीं है. एपिसोड 10 में भी दिख गया था ये चीज, साजिद सर पे बोला था कि वहां से जब गर्मा गर्मी हुई तो फिर वो भी बहुत ज्यादा कि मैं भी मारूंगा तेरे को फिर सॉरी बोल दूंगा. हाँ. जो कि साजिद सर को शालीन परेशान कर रहा था ब्रो, मतलब बहुत ज्यादा. एक तो उसने कर दिया कांड और ऊपर से वो मान नहीं रहा और ऊपर से एग्रेसिव हो रहा है बिल्कुल, और ऊपर से उल्टा भी बोल रहा है, बाल में ठंड भी लग रही है उसको मतलब, डर रहा है बाल में. अगर आपको देखना है वो मतलब देखना दूसरे चैनल पे, हम क्लिप के साथ रिएक्शन डालेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं. हाँ, तो स्टैंड मतलब सही लग रहा है, जो कि बहुत सही है. गौरी के लिए स्टैंड लिया, साजिद सर के लिए स्टैंड ले रहा है, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर है. हां, कोई बुरा नहीं था मतलब, कि फेक की नहीं भाई, ये कुछ गलती भी करेगी तब भी ले रहा हूँ, वैसा नहीं, नहीं सही है. अगर मतलब उसका स्टैंड सही पॉइंट पे तो वो ले रहा है, वरना नहीं बोल रहा, वरना चुप ही करा रहा है उसको कि चुप रहे तो क्यों बोल रही है वाला सीन. बाकी उसी भसड़ के बाद स्टैंड बाहर जब खड़ा होता है तो बोलता है कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, एक तरीके से क्या समझते हैं मतलब, एक तरीके से अपने आप को. और पैसे की बात कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो बाहर पता नहीं है इनको कि कितना है, ऐसे करके बोलता है. तभी अर्चना भी बोलती है ये जिंदा आदमी 4 करोड़ का है, तो जो कि बहुत सही बात है भाई, मतलब वो इतना भाई लेके डोल रहा है जितना प्राइज मनी नहीं है बिल्कुल. और तुम मतलब क्यों बोल रहे हो भाई, मतलब साफ सीधी बात है, तुम बिग बॉस में आए हो, तुम पैसे की वजह से नहीं आए, साफ सीधी बात. तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम्हारा नाम चल रहा है इसलिए आए हैं, और तुम उसमें घर में ऐसा बोल रहे हो, ये तो मतलब बिग बॉस ने भी बोल दिया कि भाई ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. ये करना तो बिल्कुल ही, और तुम वो कर लो लड़ाई झगड़े वाला सीन है, पर ये वाला तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा घर में. तो दंड दिया और बिना बोले बस गौतम को बोला कि नाम बताओ, चार के नाम लो. Yes. एक का नाम खुद लिया. ऐसा था. और जिसमें स्टैन का भी है, तो पता है ना क्या करने का है, पता है ना क्या करने का है, जाके वीडियो बेसक यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले वोट करके आओ. Yes. इतना है कि हाँ भाई पहले वोट करके आओ, तो वोट करके आओ, और जैसे पहले रिकॉर्ड तोड़े हैं वैसे उसे भी तोड़ देना जो पिछला रिकॉर्ड था. और जिनको नहीं पता कि वोट कैसे करना है उनको मैं बता देता हूँ, वोट ऐप डाउनलोड करना, उसमें साइन इन कर लेना, रजिस्टर कर लेना, ठीक है. फिर उसके बाद बिग बॉस सर्च करना, ऊपर बिग बॉस हिंदी वाला जिसमें सलमान खान बने होंगे उस पर क्लिक करना, देन नीचे जाना, आ रहे होंगे वहाँ पे क्लिक, उसमें राइट स्वाइप करना है ऐसे करके नीचे थोड़ा जाके, उसमें राइट करना, वोट नाउ का ऑप्शन होगा, क्लिक करके स्टैंड पर क्लिक करके सबमिट, यू नो बस ये करना आपको. और करो भाई मतलब करो, स्टैंड जाना नहीं चाहिए, जाएगा नहीं है तो हमें पता है, पर जाना भी नहीं चाहिए भाई, विनर बनाना उसको इस बार ही, विनर. यस. और फिर से जब गौरी और गौतम का मतलब गर्मा गर्मी होने लगती है, गौरी गौतम को बोल रही होती है कि तू मेरे को गाली देगा, गाली देगा. तो गौतम एकदम से बोलता है स्टैंड देख, देख रहा है इसको कैसे बोल रही है ये, तो बोलता है स्टैंड, बोलता है कि मैंने स्टैंड लिया इस बार, और फिर उसको चुप कराने के लिए बोलता है कि चुप हो जाता तू क्यों चिल्ला रही है. तो वो एक तरीके से स्टैंड तभी स्टैंड ले रहा है जब उसको लग रहा है कि बात सही है, अगर नहीं है तो वो स्टैंड नहीं ले रहा. इस बार उसको लगा कि गौरी खाली खाली मतलब जबरदस्ती गुजरी है, तो उसने कुछ नहीं बोला, तो उसने बोला तू चुप रहे यार क्यों बोल रही है तू. तो वो बहुत सही लगा कि वो
सही पे स्टैंड ले रहा है, फालतू का मतलब भसड़ के लिए स्टैंड नहीं ले रहा सिर्फ, वरना गौतम को भी वो होता कि हाँ भाई तुम लोगों ने ग्रुप बना रखा है, क्योंकि स्टैंड उस टाइम ग्रुप का नाम लिया था और है भी वो बात अलग है कि वो उस बात को पलट रहा है कि कौन सा ग्रुप, तो उसने भी यहाँ पे सही चीज ये खेला था, तू ग्रुप में है तो तू क्यों चिढ़ रहा है इस बात से कि जब तू ग्रुप में है नहीं तो, तो बस मैं तो ग्रुप बोला, हाँ मैं तो सिर्फ ग्रुप बोला, तू है उस ग्रुप में तो। और दूसरा ये तभी उसने दोबारा जब उसने बोला कि देख स्टैंड, तो उसने ये दिखाया कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं बस सच की तरफ हूँ, जब वो सच है या मेरे को सही लग रहा है मैं तभी स्टैंड ले रहा हूँ, ऐसे फालतू नहीं ले रहा। और उसके बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में रहते हैं तो गौरी रो रही होती है मतलब चिपट चिपट के, तो भाई मतलब बहुत बुरा लग रहा होता है उसको, आटे वाटे की लड़ाई क्या चुराया है क्या करा है ऐसी चीज पे होती है बात, तब वो रो रही होती है, तो बहुत बुरा लग रहा था हमें भी यार, मतलब भोली सी है यार वो साफ सीधी बात, तो किसी फालतू में नहीं लड़ती उस टाइम, वो लड़ गई थी ऐसा वैसा जो भी है, मतलब यार अच्छा नहीं लगा हमको। फिर स्टैन तो फ्रेंड है और वो शिव भी फ्रेंड है, तो दोनों सामने तो रो रहे थे, तो स्टैन उसके से आंसू पूछते हैं जो कि भाई बहुत सही लगता है ब्रो, मतलब ह्यूमैनिटी जो दिख रही है भाई वो इधर के ग्रुप में दिख रही है, उधर तो सब चाल लग रही है ब्रो, सच्ची बता रहा हूँ मैं, सब प्लेयर है उधर, उधर का लग रहा है जो हो रहा है वो किसी मोटिव से हो रहा है, इधर जो हो रहा है वो एकदम फीलिंग के साथ हो रहा है, ह्यूमैनिटी आपके सामने भी रहेगा, आप बोलोगे यार क्यों रो रही है, तो वही लगा और एंड में बोल के जाता है कि बहुत बोली है रे, बहुत बोली है ये, तो वो कि बहुत सही लगता है भाई बोलने का तरीका, मतलब बहुत बोली है रे, इसको नहीं समझ रहा यार, तो वो बहुत प्यारा लगा स्टैन के मुंह से। बाकी फिर ऊपर स्टैन और सौंदर्य बैठ रहता है, सौंदर्य बोलती है कि मुझे लगा कि तू आएगा मेरे पास मेरे को हक करने लड़ाई के बाद, तो स्टैन बोलता है एक तरीके से कि मेरे को लगा कि तेरे को अजीब लग जाएगा अगर मैं ऐसा मतलब करूंगा, तो तभी अब्दू आ जाता है और आके भाई वो जो करता है वो सबसे मेरे को फनी भी लगता है और वही मजेदार लगता है, भाई क्या चल रहा है, एक तरीके से मोटिव में आता है वो, रोमांटिक मेकिंग, रोमांटिक मेकिंग, उसकी इंग्लिश मतलब क्यूट है भाई बंदा, बहुत क्यूट है, वैसी इंग्लिश चलेगी मतलब उसमें नए वर्ड सुनने को मिलेंगे ना, मतलब तरीका लग, बहुत सही था, फिर बोलता है एड़ा बन के बेड़ा, एड़ा बन के बेड़ा ब्रो, एड़ा बन के बेड़ा। बाकी फिर बेडरूम में जब नीचे और भी लोग होते हैं, स्टैन भी वहाँ होता है, तब फिर वो बता रहा होता है अब्दू दोबारा से ऊपर जाके, मतलब ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, रोमांटिक मेकिंग चल रही है, और उसके बाद वो बोलता है ओए चुप चुप, वो एक तरह का उसका ही कहना होता है ओए मत बोल क्या कर रहा है तू, कुछ और ही मतलब बना रहा है, एक तो और फैला भी रहा है बात को, उसको बात भी फैला रहा है एक तरीके से, तो सही है बहुत, और वो हिंदी में कुछ बोलता है तो वो भी उसको वही जवाब देता है हां पागल। तो मतलब बहुत सही एपिसोड रहा यार ये वाला, मतलब स्टैन के लिए भी और पूरा बिग बॉस का एपिसोड जो ऑल ओवर था ना वो भी बहुत सही था एपिसोड, स्टैन फैंस के लिए भी एंड बिग बॉस फैंस के लिए भी, तो बहुत सही एपिसोड था। और आपको पता है हम रिव्यू हर बार ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अपने थॉट्स रखते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, अभी तो शालीन मतलब इतना खचरा लग रहा है भाई प्लेयर, सच्ची बताओ तो मतलब बहुत गंदा खेल रहा है वो, बहुत ही गंदा खेल रहा है, पूरा वो एक्टिंग लाइफ है उसकी, yes, मतलब एक्टिंग स्किल दिख रही है भाई बंदे की, और अच्छी एक्टिंग स्किल अगर देखा जाए तो वैसे मतलब तुरंत पलट जाता है। हाँ वैसे जब तक बिग बॉस ने डिसीजन नहीं लिया था तब तो एकदम चिल था ब्रो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बिग बॉस ने बोल दिया कि भाई तू पूरे इसमें कैप्टन के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाएगा और तू नॉमिनेटेड भी हमेशा रहेगा, शायद ये भी बोल दिया नहीं कि इस बार ही नॉमिनेटेड है और कैप्टन के लिए तू कभी भी नहीं दावेदार बन पाएगा, कभी कैप्टन नहीं बनूंगा। हाँ भाई उसके बाद जो उसको ठंड लगी भाई, मेरे पास मत आ, मेरे को स्पेस चाहिए, नहीं 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 मेरे पास मत आ भाई, इतना तू फेक है, पहले एकदम ऐसा लग रहा था कि अब तो मतलब किस साजिद से भी एकदम भिड़ने वाली बात, भिड़ जाऊंगा, जब लड़ाई हो रही थी तब वो फ्रंट से आ रहा है, या तो उसने रूप नहीं देखा था साजिद का, और जब देखा कि वो उतना शांत और नेक्स्ट लेवल उससे ज्यादा एग्रेसिव, तो वो कांप तो गया, इतना उसे लग गया, लेकिन ऐसा कांप गया वो उसकी फेकनेस दिखा रहा था, क्योंकि उस टाइम तो लड़ने को आ रहा था, बाद में कांपने लगा और वो बिग बॉस के डिसीजन के बाद, बिल्कुल। तो चलो ब्रो ये रैप अप करते हैं इसको, आपको अगर रिएक्शंस देखने हैं विद क्लिप्स तो आप जा सकते हैं दूसरे चैनल पे, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सो लेट्स गो, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।